अच्छा, माता महादेवी लिंगायत की पहली महिला धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई है, माता महादेव जी बहुत बहुत प्रणाम। माता महादेवी, मुझे याद है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप सबको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने में साथ दिया है। लेकिन अभी कांग्रेस 91 पर है, बीजेपी 93 पर है। माता महादेवी, आई डोंट नो वेदर यू नो दी हिंदी counting or not, so I'm telling you in English, 93 is BJP, 91 is Congress and 210 out of 222. इन सीटों पर रुझान साफ तौर पर दिख रहे हैं, बीजेपी आगे है माता महादेवी। हाँ, ठीक है। जी, आपको सुन रहे हैं माता महादेवी, बीजेपी 93 पर, कांग्रेस 91 पर, योर रिएक्शन? वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ पीपल एंड इट इज देयर इंटेंशन टू वोट बीजेपी, सो वी मस्ट एक्सेप्ट पीपल्स व्यू। We must accept people's view. लेकिन ये कड़ी टक्कर है माता महादेवी, आई नो यू अंडरस्टैंड हिंदी, और इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, मैं दोबारा आपको याद दिला देती हूँ, और व्यूअर्स आपको बहुत पसंद करेंगे हिंदी में अगर आप बात करेंगे, अपनी बात रखेंगी। मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़े कांटे की टक्कर है माता महादेवी, बिल्कुल दोनों आगे पीछे हैं, कभी कांग्रेस आगे होती है, कभी बीजेपी आगे होती है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर दिख रही है अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है, दिस इज वेरी अर्ली टू टेक एनी डिसीजन और जजमेंट, सो वी विल सी व्हेन ऑल द वोट्स आर कंप्लीटली काउंटेड, देन वी कैन कम टू वन डिसीजन। माता महादेवी जी, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था, आपको लगता है कि लिंगायतों को जो अलग धर्म का दर्जा देने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सिद्धरमैया की तरफ से की गई, वो खिलाफ गई, इस वजह से 91 पर अटक गई है कांग्रेस? या सबने एक साथ वोट नहीं किया कांग्रेस को, लिंगायत या सबने एक साथ वोट नहीं किया कांग्रेस को, लिंगायत वोट भी बटा मैम माते जी? Because many Lingayats, they do not understand the importance of Siddaramaiah's recommendation about independent religion and also religious minority status. So many people, because they are not aware of the importance of this and what will be the impact in future, जो सामान्य लिंगायत है, जो कॉमन मासेज है लिंगायत के, उनको इस बात से नाराजगी थी कि सीतारामैया ने उनको चुनाव का मोहरा बनाया है, उनको एक टूल के रूप में सीतारामैया यूज कर रहे हैं। लिंगायत की समस्या वहाँ की बेरोजगारी की थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की समस्या थी, उनको एड्रेस करने की जगह हिंदू धर्म को तोड़ना, हिंदू धर्म बिना लिंगायत की कल्पना नहीं की जा सकती, इमेजिन हिंदुइज्म विदाउट लिंगायत। ठीक है, माते महादेवी जी, नाउ इट इज नॉट एक्चुअली सेपरेशन फ्रॉम हिंदुइज्म, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज कल्चर ऑफ इंडिया, सो वी आर नॉट अवे फ्रॉम हिंदुइज्म। महादेव जी, आप अभी बात को बदल रहे हो, क्रिश्चियन टू आवर रिलीजन, जब 3 महीने पहले या 6 महीने पहले जो वीरशैव लिंगायत का जो मोर्चा, जो रैली कर्नाटक में शुरू हुआ था, आप ये कह रहे थे कि हिंदू धर्म अलग है और लिंगायत धर्म अलग है, अभी आप ये कह रहे हो, आपने खुद कहा था कि कांग्रेस को वोट दो, सारे लिंगायतों को आपने ये अपील किया था कि आप सारे कांग्रेस को वोट दो, अब अभी बोल रहे हो कि नहीं, अभी बीजेपी को वोट है कर्नाटक, वी शुड एक्सेप्ट, अभी आप बात बदल रहे हो, और अभी आप कह रहे हो कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, ये बात आप नहीं कहा था। माते महादेवी जी, नहीं, सुनाइए, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ डिसीजन, ही सेज Hinduism is not a particular religion. I agree. It is a way of life. So, I have read that. We believe
that please say, hear me. Hinduism is a culture. It has got culture. So we are separate religion. We want recognition to our religion, just like Jainism, Buddhism, and Sikhism.